सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यूपी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार करेक्शन में सुधार कैसे आपको करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बैंक अकाउंट या खाता संख्या आपका सही नहीं हो रहा है, गलत हो रखा है, तो कैसे आप उसे सही कराएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और 100% दोस्तों ये तरीका आपका काम करेगा, अगर आपने इस तरीके के माध्यम से अगर आपने सुधार करवाया तो आपका बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका जो भी करेक्शन है वो आप इस माध्यम से सही करवा सकते हैं। चाहे कोई सा भी करेक्शन हो, सही करवा सकते हैं आप और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, आपको किस्तें नहीं मिल रही है, आवेदन करने के बाद भी अगर आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये काम करना होगा और बिल्कुल आपको उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके लिए दोस्तों हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर सबसे पहले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर हम आ गए हैं और यहाँ सबसे पहले हमें अपना जो हमारा स्टेटस है, हमें वो स्टेटस अपना यहाँ खोल के रखना है। तो दोस्तों, स्टेटस हम अपना यहाँ से खोल लेंगे। इस तरह से ये हमारा स्टेटस आ गया है और इसको हमें उसके बाद डाउनलोड करना है, तो मैं बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में डाउनलोड कर रहे हैं तो कंट्रोल और पी दबा दें या फिर आप किसी से इसको डाउनलोड करवा लें। अगर आप फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं इसको। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन में वैसे यहाँ से इसमें प्रिंट करने का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे एक ये छोटा सा प्रिंट करने का ऑप्शन ये जो बना हुआ है, ये छोटा सा, इस पर आप इस तरह से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर पाएंगे इस तरह से। तो आपने इसको प्रिंट कर देना है इस तरह से और यहाँ आप इसमें नाम डाल देंगे, पीएम किसान स्टेटस या कुछ भी इसमें आप नाम डाल देंगे। तो दोस्तों, फ़ोन में भी आपने इसको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। और अब उसके बाद क्या करना है आपको, गूगल में आपको इस तरह से यूपी जन सुनवाई पोर्टल आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, सबसे पहला जो आपका नंबर आता है, पहला जो नंबर पे जो सर्च में जो आता है, जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश सरकार, इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे जब आप आ जाते हैं तो ये जन सुनवाई समाधान पोर्टल, ये है यूपी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये पोर्टल है। यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं और 100% दोस्तों यहाँ शिकायत करने के बाद आपका सॉल्यूशन निकलता है। मैंने भी पहले इसमें किया हुआ है एक दो बार, तो बिल्कुल इसमें आपको क्या उसके बाद करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने नीचे आना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शिकायत पंजीकरण, इस पे आपने ये जो बीच में है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से सीधे संपर्क करें, इसमें लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ उसके बाद आपका इस तरह से आ जाता है, ऐसे विषयों या बिंदुओं की सूची जिनको जन शिकायत नहीं माना जाएगा। इसमें क्या है, जन सूचना के जो अधिकारों से संबंधित मामले हैं, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण या सुझाव नहीं देना है आपको। आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग, ये भी नहीं आपको इसमें करनी। सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण स्थानांतरण सहित जब तक उन्हें विभागों में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो, ये आपको इसमें नहीं यूज करने हैं। ये पांच चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, मैं सहमत हूँ कि मेरी जन शिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती हैं, आपने इस पर क्लिक कर लेना है इस तरह से। यहाँ जब इस तरह से नीला क्लिक हो जाए, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपका इस तरह से ये पेज खुल जाता है। यहाँ आपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि 1357 दिख रहा है, इसको यहाँ आप डाल देंगे। ओटीपी भेजने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही एक बॉक्स आ जाएगा, आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा, उसमें एक चार या पांच नंबर का एक अंकों का एक नंबर होगा, वो आपने यहाँ डालना है और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने दोस्तों उसके बाद इस तरह का ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण समाधान उत्तर प्रदेश सरकार इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ उसके बाद आवेदनकर्ता का विवरण इसमें सबसे पहले मांग रखा है। तो आपने, अगर आपकी सामूहिक शिकायत है, आप दो या चार या छः किसान हैं, तो सामूहिक शिकायत पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको सबसे पहले यहाँ अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ आप अपने पति या पिता का नाम डालेंगे, लिंग उसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से, पुरुष हैं महिला हैं। मोबाइल नंबर आपने इसमें पहले से ही दे दिया है, जैसे कि सबसे पहले मोबाइल नंबर से ही, लेकिन आप दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल है तो वो डाल सकते हैं, और आधार नंबर आपको जरूर इसमें डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको आना है, यहाँ संदर्भ का विवरण यहाँ लिख रखा है, तो इसमें संदर्भ का विवरण आपने शिकायत पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद यहाँ विभाग आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ आपने इस तरह बहुत सारे इसमें विभाग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हम इसमें जो विभाग सेलेक्ट करेंगे कृषि विभाग इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद संदर्भ श्रेणी इसमें जो है यहाँ उसमें यहाँ इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ हमें किस संदर्भ में अपनी शिकायत करनी है। तो हमें कृषि योजनाओं में DBT के माध्यम से जो अनुदान राशि जो बैंक खातों में आती है उसके लिए हमें यहाँ तो ये लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। कृषि योजनाओं में DBT के माध्यम से अनुदान की धनराशि बैंक खाते में अंतरण वाले पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण यहाँ आ जाता है। तो हमने इसमें लिखना है अपना जो हमारा जो शिकायत है हमारी वो हमें इसमें लिखना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिख दिया है इसमें, महोदय मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन किया था जिसमें मेरा बैंक खाता संख्या गलत अंकित होने के कारण मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय जब मैंने कृषि विभाग के कार्यालय जाकर इसे सही करवाने की प्रार्थना की तो वहाँ से भी इसका समाधान अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। महोदय फिर मैंने अपने क्षेत्र के पटवारी लेखपाल से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसको सही नहीं करवाया जा सकता या इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है, महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन सुधार न होने हो पाने के कारण मैं इसके लाभ से वंचित हूँ, अतः आप से अनुरोध है कि मेरा जो किसान सम्मान निधि में जो बैंक खाता है उसे सही करवाने की कृपा करें। आपने भी इस तरह से कुछ लिख लेना है, जो भी आपका गलत है वो आपने लिख देना है और आपने पहले ज़रूर या तो कृषि कार्यालय जाना है या फिर पटवारी से संपर्क करना है, ज़रूर आपने संपर्क कर लेना है। क्योंकि अगर आपने संपर्क नहीं किया है तो इसमें आप फिर ये नहीं लिख सकते कि मैंने उनसे संपर्क किया था। बाकी आप सब इस तरह से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे आपने आ जाना है और साथ ही ध्यान रखना है जो इसमें लिखा हुआ है लाल रंग में, इसमें आपने इस तरह का कोई भी जो होता है वो यूज़ नहीं आपने करना है। उसके बाद आप इसमें जो शिकायत मांग या सुझाव की जो क्षेत्र की जानकारी है जहाँ आप रहते हैं वो आपने इसमें चुन लेना है। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, नगरीय हैं तो नगरीय से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनपद आप अपना चुनेंगे, इस तरह से जनपद चुनेंगे। फिर उसके बाद तहसील आप इसमें से चुन लेंगे, तहसील चुनने के बाद विकास खंड भी यहाँ अपने आप आ जाएगा वो चुन लेना है। ग्राम सभा आ जाएंगी, ग्राम सभा आपने इस तरह से फिर चुन लेना है। राजस्व ग्राम फिर आपका क्या है वो आपने चुन लेना है। उसके बाद आपका थाना यहाँ आपने चुन लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ आपने अपना आवासीय पता लिख लेना है, आवासीय पता जो भी है आपका वो आपने लिख लेना है। उसके बाद अगर आपने पहले ही इसमें शिकायत की है तो आपको एक नंबर मिला होगा वो आपने यहाँ डाल देना है, यहाँ आपने क्लिक करके वो नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपने स्टेटस का जो प्रिंट आउट लिया है या जो डाउनलोड किया है उसको आपने फिर यहाँ लगाना है। कैसे आपको लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, आप इस तरह से अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में पहुँच जाएंगे और यहाँ जैसे कि PM नाम से हमने सेव किया था, PM नाम से इसको फिर ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद दोस्तों ये यहाँ अपने आप यहाँ आ जाती है और उसके बाद हमें संदर्भ सुरक्षित करें पे क्लिक कर लेना है। संदर्भ सुरक्षित करें पे जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी और इस तरह का मैसेज आपके फ़ोन के स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ आपके इसमें जो आपकी शिकायत है उसके बारे में लिखा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका इसमें इस तरह से सबसे पहले नाम, फिर पति का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा और पता, और उसके बाद आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण इसमें जो आपने शिकायत लिखी है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद आपने ओके कर लेना है और आपकी जो शिकायत है वो इस तरह से सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद शिकायत की स्थिति आप इस तरह से इसी वेबसाइट से देख सकते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ क्या करना है, अपनी शिकायत की संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आई होगी। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ जो नंबर दे रखा है यहाँ, और उसके बाद सबमिट करें पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शिकायत है उसकी स्थिति जो भी होगी वो आपको दिख जाएगी आपके स्क्रीन पे। और आपको दोस्तों इसके माध्यम से अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको ज़रूर इसका जो है इसका वापस आपको कॉल किया जाता है अधिकारियों के द्वारा और आपकी शिकायत का जो है समाधान किया जाता है। और जब तक आपका शिकायत का समाधान नहीं होता है तब तक बिल्कुल आपको कॉल आती रहेंगी शिकायतें, जो आपका जो अधिकारी है उनसे आपको कॉल आएगी और पूछा जाएगा कि आपकी शिकायत का समाधान किया गया या नहीं किया गया है और वो आपका शिकायत का ज़रूर समाधान करते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो इस तरह से आप अपना PM किसान सम्मान निधि का खाता नंबर सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप UP में अपने
पीएम किसान सम्मान निधि का खाता नंबर सही करवाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी और नई नई जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर देना है, जिससे कि और किसानों को भी इसका लाभ मिले और वो अपना बैंक अकाउंट और खाता नंबर सही कर पाएँ या उनका जो भी सम्मान निधि के आवेदन में जो भी गलती हो रखी है उनके आवेदन में वो भी सही करवा पाएँ। तो दोस्तों शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी वीडियो बिल्कुल सही जानकारी मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। और इसी तरह दोस्तों नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।